गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल रिहास किचन में। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ बार्सिलोना। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम जो है बार्सिलोना का, बहुत ही फेमस फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पर फुटबॉल के वर्ल्ड कप भी खेले जाते हैं। और इसके साथ ही बार्सिलोना में और कौन कौन सी चीज़ें हैं घूमने लायक, तो ये देखने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके ट्रिप में कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो आज है ट्रिप का पहला दिन और हमने ले ली है लंदन से बार्सिलोना के लिए अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट। तो अगर आपने रायन एयर से फ्लाइट बुक की है तो आप इसकी ऑनलाइन चेक इन जरूर करा लीजिएगा। तो बार्सिलोना पहुंचने के बाद हम चल पड़े हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो टर्मिनल 2 से आपको एक ब्रिज मिलेगा और जिसके थ्रू आप मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं। तो रायन एयर से हमने ऑनलाइन चेक इन नहीं की थी और जिसके कारण हमें अच्छा खासा उसका फीस देना पड़ा। तो आप ऑनलाइन चेक इन जरूर कर लीजिएगा। तो वहाँ आपको कुछ इस तरीके की मशीन्स मिलेंगी और जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है टिकट लेने के। तो हमने यहाँ पर टी डे का ऑप्शन चूज किया है। तो इसके थ्रू आप 24 आवर्स कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो अंडर 4 इयर्स किड्स यहाँ पर फ्री है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हमने टिकट लेकर अब हम चल पड़े हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो टर्मिनल 2 से हमने सग्रादा फैमिली के लिए ट्रेन ले लिया है। तो स्पेन में घूमने के लिए आप कार भी हायर कर सकते हैं। तो सग्रादा फैमिली पहुंचने के बाद हमें अपना जो लगेज है वो कहीं रखना था क्योंकि सग्रादा फैमिली में लगेज अलाउ नहीं होता है। तो हमें 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक लगेज रखने के लिए जगह मिल गई जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कर ली थी। तो लगेज के नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं वो 5 यूरोस पर बैग 24 आवर्स के लिए होते हैं। तो सग्रादा फैमिली की टिकट्स बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा। नॉर्मली यहाँ पर 1.5 आवर से 2 आवर्स का वेटिंग टाइम होता है और अगर आप सैटरडे संडे या फिर लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं तो यहाँ पर वेटिंग टाइम्स और भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी टिकट ऑनलाइन ही खरीद लें। तो ये जगह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हुआ था 1882 में और ये अभी भी बन रहा है, मतलब ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक्सपेक्टेड है ये 2026 तक पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसका जो ये डिज़ाइन है ये फेमस आर्किटेक्चर गाउडी ने डिज़ाइन किया था और जब ये 2026 में पूरा बनकर रेडी हो जाएगा तो ये यूरोप का सबसे टॉलेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग में से एक होगा। और इसके अंदर म्यूजियम भी है जहां पर इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी पुरानी चीजें रखी गई हैं, जैसे इसका डिजाइन बनाया गया उस वक्त। तो सग्रादा फैमिली से अब हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो बार्सिलोना में आपको बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के और या फिर कोई नया फ्रूट खा के जरूर देखिएगा। तो चलते हुए आपको कैजा वैल्यू बिल्डिंग भी मिल जाएगी देखने के लिए। तो हमारे पास समय कम था इसलिए हम वो बिल्डिंग भी नहीं जा पाए देखने के लिए। और इसी के पास एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जिसका नाम है ला रामला, तो आप भी वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो आप वॉक करते हुए या फिर बाई ट्रेन भी सिटी सेंटर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपको हॉफ एंड हॉफ की बस भी मिलेगी जिससे आप पूरा सिटी घूम सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इवनिंग में फ्लामेंको डांस की टिकट्स बुक कराई थी। तो ऑनलाइन टिकट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये स्पेन का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है जो आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के
सेनोरिटा वाले गाने में भी देखा होगा। पड़े हैं देखने के लिए कैंप नू फुटबॉल स्टेडियम के लिए। तो फुटबॉल स्टेडियम जाते हुए हमें एक ट्रैम भी दिखी। तो ये मेट्रो स्टेशन से 10 से 15 मिनट पे ही स्टेडियम वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हम क्योंकि ऑफ सीजन में मंडे में गए थे इसलिए यहाँ रश नहीं है, पर आप यहाँ जब भी आए तो ऑनलाइन टिकट खरीद कर ही आए। ये जो फुटबॉल स्टेडियम है ये दुनिया में वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। और अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो इससे अच्छी जगह आपके लिए और कोई हो भी नहीं सकती है बार्सिलोना में। और इसके एंट्रेंस में ही आपको मेसी की एक बहुत ही अच्छी फोटो मिलेगी उसके गोल्डन शूज के साथ। तो पहले यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर फुटबॉल पे जीती हुई ट्रॉफीज, पहला यूज किया हुआ फुटबॉल शूज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बारी आती है फुटबॉल स्टेडियम के लिए जिसके लिए हमने इतना वेट किया। तो ये स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी है 1,05,000 पीपल। कैन यू इमेजिन? प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जहां सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए होते हैं और सारे इंटरव्यूज होते हैं। और ये है प्लेयर्स के चेंजिंग और लॉकर्स रूम। और अब बारी थी फुटबॉल स्टेडियम को नीचे से जाके देखने के लिए। तो हमें कोई लाइव मैच देखने को तो नहीं मिला, पर यहाँ पर आप विजुअल लाइव मैच का मजा ले सकते हैं। तो इसके चार्जेस हैं 6 यूरोस पर हेड। तो स्टेडियम से अब हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम आ चुके हैं पार्क घूम के लिए। तो
बार्सिलोना में अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो आप उसको मीटर रेट से लीजिएगा, तो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो आप यहाँ आने के पहले ऑनलाइन टिकट्स ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही लंबा क्यू होता है। लकीली हम यहाँ मंडे को अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसलिए हमें कोई क्यू नहीं मिला। तो ये जो पार्क है, ये बिल्ड हुआ था 1900 से 1914 तक, और ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1926 में। तो इस पार्क की डिजाइन सग्राधा फैमिला बनाने वाले आर्किटेक्ट गौड़ी ने ही बनाई थी। और आप इसके रूफ से पूरा बार्सिलोना सिटी देख सकते हैं। तो यहां से निकल पड़े हैं हम एयरपोर्ट के लिए, जहां से हमारी फ्लाइट है स्पेन की बहुत ही सुंदर आइलैंड पाल्मा के लिए, जिसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बार्सिलोना में आप कुछ और जगह भी घूम सकते हैं, जिसकी लिस्ट ये है। तो बार्सिलोना का एक रात और दो दिन का सफर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगी पाल्मा सिटी और पाल्मा नोवा के कुछ खूबसूरत बीचेस।